आज का वीडियो है रिएक्टिविटी सीरीज से। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एक रिएक्शंस लास्ट में आया था कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन करता है तो एक नया कंपाउंड बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस स्पेसिफिक यहाँ पर रिलीज हो जाता है, ये हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद तो मैंने बोला था कि हम रिएक्टिविटी सीरीज से वन बाय वन इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रिएक्शन है जहाँ पे ये जिंक क्या है, सॉलिड स्टेट में है, और सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस है यानी कि ये लिक्विड में होगा, और फिर जिंक सल्फेट भी मुझे लिक्विड स्टेट में ही मिलता है, प्लस ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिंक जो होगा वो रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, और उससे पहले रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका क्या है, जैसे ये पोटेशियम है उसको प्लीज से रिप्रेजेंट किया गया है, सोडियम एस स्टॉप, कैल्शियम कॉलिज, मैग्नीशियम मी, कार्बन केयरलेस, जिंक जेब्रा। तो इस तरीके से हम इस तरह से याद कर सकते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। आप इसको रट लीजिए, कभी जिंदगी में आप ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज आप भूलेंगे नहीं। तो पहले रिएक्शंस में क्या है कि जिंक मोर रिएक्टिव है, देख सकते हैं किससे, हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन अलग हो गया, यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड था, ये क्या सल्फेट आयन जो है यहाँ से ब्रेक हुआ और कंबाइन किससे, के साथ किया, जिंक के साथ किया, और एक कंपाउंड बना दिया जिंक सल्फेट। ये सल्फेट आयन मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो गया यहाँ से। देखो एक्टिविटी में तो हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ बातें होती है, एक प्रोसेस है, वो आगे चल देखेंगे, बट सिर्फ हम केमिकल रिएक्शंस को समझाने के लिए ये यहाँ पर वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। सिर्फ केमिकल रिएक्शंस देखिए किस तरह से हो रहा है। फिर क्या है, लेड नाइट्रेट, यहाँ पे लेड नाइट्रेट है और ये पोटेशियम हाइड्राइड के साथ। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन लेड, लेड कहाँ है, ये है लेड और पोटेशियम यहाँ है। तो पोटेशियम किसके साथ कंबाइन किया, पोटेशियम नाइट्रेट बनाया यहाँ से, आयंस के साथ ब्रेक करके कंपाउंड बनाया, और यहाँ पर लेड जो है वो क्योंकि लेस रिएक्टिव था तो नीचे रह गया, उसको छोड़ दिया, और फिर इसके साथ आयोडीन के साथ कंपाउंड बनाया है। हाँ, आयोडीन के साथ कंपाउंड बनाया है। नेक्स्ट आते हैं सोडियम क्लोराइड, तो यहां पर सोडियम इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू सिल्वर, देख सकते हैं सिल्वर यहां है नीचे में, तो इसके साथ कंपाउंड बनाता है। ये नाइट्रेट आयन जो होता है किसके साथ कंपाउंड बनाएगा, सोडियम के साथ बनाएगा और सिल्वर को छोड़ देगा, और सिल्वर किसके साथ फिर कंबाइन करेगा, क्लोराइड के साथ। तो ये प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाता है और सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी लिक्विड स्टेट में रहेगा, ये जो एरो साइन है ना नीचे की तरफ, इसका मतलब ये होता है ये प्रेसिपिटेट है, ये बॉटम पे सेटल कर गया है, जब एरो ऊपर की तरफ होगा तो गैसियस स्टेट में रहेगा। तो ये पूरा का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू ही ये रिएक्शन हुआ है। डायरेक्ट अगर रिएक्शंस आपको लिखने दे दिया जाए तो जब तक आप रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान में नहीं रहेगा आप तुरंत नहीं बना सकते हैं, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ओके बाय।